अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक सवाल पूछूं, थोड़ा पर्सनल है। तुम खुद से नाराज हो क्या? नहीं, मतलब नॉर्मली तो तुम ठीक ही रहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत परेशान हो। कोई प्रॉब्लम है? आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। तू करण लूथरा का बेटा है। रुकिए रुकिए, रहने दीजिए आप, कहाँ जाए लग जाएगी आपको। I'm so sorry. आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चलिए बाहर जाइए। वैसे ये कमरा किसका है? हैं जी, क्यों पूछ रहे हैं आप? और आप किसी के कमरे में ऐसे कैसे घुस सकते हैं जी? दिखने में तो अच्छे खासे समझदार लगते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, ये मेरी किरायेदार का कमरा है, पर किसी के कमरे में ऐसे नहीं घुसना चाहिए जी आपको। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो गुस्से में पता नहीं मैं कुछ बोल दूंगी आपको और आपको बुरा लग जाएगा जी। I'm sorry, I'm really sorry. गलती मेरी है, मुझे ही किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन सच कहूं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। क्या हो गया था? पता नहीं, जब मैं कमरे के बाहर था मुझे ऐसा लगा कि... अरे तो मॉम का फोन। यहाँ नेटवर्क नहीं है, आपको बाहर चलकर ही बात करनी पड़ेगी। आइए चलिए। ओके जी। फोन तेरा डिस्कनेक्ट हो गया। माही, कितनी सोनी गड्डी है कि नहीं? है ना मम्मी, और कितनी बड़ी और कितनी चमकदार भी है ना। पर माँ, ये है किसकी? पता नहीं किसकी गड्डी है, पूछती हूँ किसी से। सुमन, ये गड्डी किसकी है? पता नहीं, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी आज तक इस चाल में आई ही नहीं। हाँ, है कि नहीं? है, देख लिया, जाओ। क्यों? आंखें सिर्फ तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है, हम नहीं देख सकते। फोन करके तो मुझे ये बताना चाहिए था कि हम शौर्य को लेके घर आ रहे हैं। आ गया ऋषभ का फोन। स्पीकर पर डाली। ऋषभ, पुत्र क्या हुआ वहां पे और कहाँ पहुंचे तुम लोग? मम्मा, मैं अभी भी उसी लड़के के घर पे हूँ जिसने कंप्लेन की थी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। अंदर नेटवर्क नहीं आता, इसलिए मुझे बाहर आके आपसे बात करनी पड़ी। तुम लोग को जाके तो काफी वक्त हो गया। पर वो मम्मा मार्केट गया हुआ है, हर किसी को काम होता है। उनके घर पे नमक वमक जैसे खत्म हो गया था, तो वो मार्केट गया लेने के लिए। अब मैं उसको नहीं बोल सकता ना कि आप हमारे सामने बैठो। वी आर वेटिंग फॉर इट। ऋषभ बेटा, तू टेंशन मत ले, हमें तुझ पर पूरा यकीन है। तू बस उससे अच्छे से बात करके इस मामले को हैंडल करके जल्दी से जल्दी शौर्य को लेकर गया। मुझे यकीन है तू शौर्य को वापस लेकर आएगा, तू समझा लेगा उसे। डेडा, थोड़े से पेशेंस रखो, हम लोग शौर्य को घर पे ले आएंगे। टाइम लगता है, हम लोग उसको कन्विंस करेंगे, उनसे बात करेंगे। हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, जैसे ही हो जाएगा मैं आपको कॉल करूंगा, है ना? ऋषभ, पुत्र कुछ भी करना, लेकिन शौर्य को लेके ही घर लौटना। बाय बाय। हाँ हेलो, कौन? इंश्योरेंस? इसका इंश्योरेंस? अरे भाई, एक तो माहौल गर्म है, ऊपर से वेदर गर्म है, तुम लोग कहाँ कॉल कर रहे हो? बाद में फोन करना यार, इंश्योरेंस नहीं चाहिए यार हमको। भाई, उस मुंडे को देखा? लगता है इस गाड़ी का मालिक वही है। अब सोच जरा, इतनी बड़ी गाड़ी का मालिक होगा तो रईस भी बहुत होगा, अमीर होगा। तू मेरी गल सुन, तू जाना तो जाकर इससे शादी कर ले। सच्ची कह रही हो? तू उससे शादी कर लेगी ना तो उस पड़ोसन को मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकूंगी। फिर मैं कहूंगी मेरे दूर के रिश्तेदार की गड्डी नहीं है, मेरे बहुत पास के रिश्तेदार की गड्डी है कि नहीं? माँ रिलैक्स। हाँ? यार मुझे लगता है ये मुझे रिजेक्ट कर देगा। क्यों?
अरे देखो ना कितना मैच्योर दिखता है, और वैसे भी मुझे तो बस राजवीर ही पसंद है। हैं? की बोली तो नहीं, हाँ? कुछ नहीं। अरे माही की बच्ची, मैं आई, रुक तो सही माही।